हाय एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट की सब्जी। पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जब ये सारी चीज अच्छे से पक जाए तब हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन, कुछ करी पत्ता और बारीक कटे हुए ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम लहसुन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब लहसुन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। अब प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब हम इसमें चॉप किया हुआ बीटरूट, एक कटोरी बॉईल किया हुआ काला चना, 1/2 टीस्पून हल्दी, स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लिड कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में बीटरूट को पूरा पकने तक पका लेंगे। हम इसे मिडिल मिडिल में चलाते रहेंगे। अब बीटरूट अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लिड कवर करके इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। अब हमारा बीटरूट की सब्जी तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे रोटी, राइस और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया हो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।